वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी वजह से मैं भी हमेशा की तरह बढ़िया हूं। तो ब्लेडर्स, पहले तो आप सभी को सॉरी हमेशा की तरह कि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब प्रॉमिस है मेरा आप सभी से कि अब हमारे और आपके बीच, मतलब मेरे और आपके बीच कोई भी नहीं आएगा। जो भी सारे काम थे वो सब निमट चुके हैं और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अपने कियोया के रॉक लियोन का। तो फटाफट से इंट्रो लगा दो ब्रदर। फटाफट से इसका क्विक रिव्यू देते हैं। तो इसमें हमारे को लियोन फेसबॉल देखने को मिलता है, लियोन रिंग और रॉक फ्यूजन व्हील के साथ 145 स्पिन ट्रैक और वाइट बॉल परफॉर्मेंस टिप। तो मेरे को बताने की ज्यादा कुछ तो जरूरत है नहीं, ये हमारे वन ऑफ द फेवरेट बेब ब्लेडर कियोया का बे है भाई। इसमें जो हमारे को रॉक फ्यूजन व्हील के बारे में बताऊं तो ये पहला बे था जो रॉक फ्यूजन व्हील के साथ आया था और ये भाई काफी अच्छा डिफेंसिव फ्यूजन व्हील है भाई और काउंटर अटैक भी काफी अच्छे प्रोवाइड करता है। ये जो इसके चार आपको पैटर्न वाले मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से, और अपने 145 स्पिन ट्रैक पे है तो काफी अच्छे स्पिन ट्रैक है जो कि काफी स्टेमिना ओरिएंटेड भी। आप इसको स्टेमिना कॉम्बिनेशन के साथ भी काफी अच्छे यूज कर सकते हो। और एक और बता दूं भाई फन फैक्ट, ये हमारा सबसे बड़ा स्पिन ट्रैक था जब तक फ्लेम पिक्सेस नहीं आया था। और यही अगर बात करें अपनी वाइट बॉल डिफेंस चिप की, वाइट बॉल परफॉर्मेंस चिप की, तो जैसे कि आपको देख के पता चल रहा है काफी अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस चिप है जो कि लार्ज सर्फिस एरिया को कवर करके काफी अच्छा डिफेंस और काउंटर अटैक प्रोवाइड करती है अपने अपोनेंट बे को। लेकिन अटैक बेस के सामने इसको थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है जो कि नॉकआउट का होता है। तो मैंने आपको उसका रिव्यू वगैरह तो सब दे दिया, तो कुछ टेस्ट बैटल भी करके देख लेते हैं अपने कुछ बेस के साथ। तो फटाफट से करते हैं बे को लॉन्चर में फिट और फट जल्दी से करते हैं लेट इट रिप। 3, 2, 1 लेट इट रिप। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो किस तरीके से स्पिन कर रहा है, बिल्कुल स्मूथली वे में ये। तो स्पिन तो देख लिया भाई आपने इसका कि किस तरीके से स्पिन करता है। तो अब इसकी फटाफट से कुछ बेस के साथ बैटल भी करते हैं। 3, 2, 1 रिप। पहले अपने फेक वाले स्टॉम्प पैकर्स इसके साथ रिप। और 145 स्पिन ट्रैक होने की वजह से इसका स्टैमिना भी काफी अच्छा है गाइस, जो कि आपको आगे बैटल में देख के ही पता चली जाएगा। और काउंटर अटैक की तो क्या ही बात करनी, मतलब भाई आप ये कह सकते हो कि ये काफी अच्छा बे है जो टकरा टोमी की तरफ से आया था मेटल फ्यूजन बेस में अपना रॉक लियोन कियोया का। तो एक बार लाइटनिंग एल्ड्रेगो से भी करके देखते हैं। 3, 2, 1 लेट रिप। इसके लिए भाई लेफ्ट लॉन्च चाहिए हो। 3, 2, 1 लेट रिप। तो जैसा कि मैंने आपको भाई पहले ही बता दिया था कि अटैक टाइप बेस के सामने इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वाइट बॉल जो अपनी परफॉर्मेंस चिप है वो थोड़ा सा बैलेंस बनाने में, क्योंकि सरफेस एरिया बिल्कुल राउंड है इसका, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने में दिक्कत हो जाती है अटैक बेस के सामने और नॉकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एल ड्राइव के तो भाई पता ही आपको अपने रायुगो का बे भाई। तो 3, 2, 1 लैंड ग्रिप। तो भाई जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल रॉक लियोन भी आ चुका है, तो अगर आप कहोगे तो इसकी पैटर्न हम डिटेल बैटल हम कर सकते हैं अपने एल ड्रैगो से। और अनदर नॉकआउट। तो यहाँ पे तो भाई बिल्कुल बेइज्जती सी कर दी लाइटनिंग एल ड्रैगो ने। तो ज्यादा बेइज्जती ना कराते हुए मूव करते हैं दूसरे बे के ऊपर, जो कि हमारा गैलेक्सी पेगासस, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप बे है, वो भी अपनी मेटल मास्टर सीरीज का। लेकिन इसमें भी हमारे बैटल देखने को मिलती है रॉक लियोन से, और जो कि बैटल आएगी एनिमे स्टाइल वाली में, क्योंकि अब रॉक लियोन आ चुका है हमारे पास ओरिजिनल वाला। लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन और एलईडी कम होने की वजह से गैलेक्सी पेगासस काफी जल्दी अपना स्टेमिना लॉस करता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। नहीं एक बार और करते हैं, इसी में ही लॉन्च करता हूं भाई।
और ये बताओ गाइस अब इसके बाद किस बे का रिव्यू देखना चाहते हो आप, मीटियो एल ड्रैगो या ट्विस्टेड टेम्पो या फ्लेम लिब्रा और फ्लेम सेजुटेरियो। तो ये वाला राउंड भी शायद रॉक लियोन ही जीता है, तो एक बार ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के साथ भी ट्राई करके देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो 3-2-1 रेड रिप, रेड रिप। असली बैटल तो भाई अब पता चले क्योंकि दोनों ही डिफेंस टाइप बे है और इनकी डिटेल वीडियो भी आएगी भाई, क्योंकि एनीमे में हमारे को एक बार भी इनकी बैटल देखने को मिली नहीं है आज तक अपने ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर की और रॉक लियोन की, तो इनकी डिटेल वीडियो भी आएगी, तो रेडी रहना उसके लिए। तो 3-2-1 रुको यार, उसके बाद लेफ्ट स्पिन कर लेते हैं इस बार। 3-2-1 लेफ्ट ग्रिप, लेफ्ट ग्रिप। तो यहाँ पे अपनी पिछली हार का बदला ले लिया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ने, तो फटाफट से एक फाइनल बैटल करके देख लेते हैं और करते हैं वीडियो को एंड। और इसको भाई नॉकआउट ही मानेंगे जो कि काफी बेकार लगा मेरे को इस तरीके का नॉकआउट। तो देख लो गाइस ये था हमारा रॉक लियोन जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर और लाइटनिंग एल ड्रैगो से काफी बुरी तरीके से हारा है। तो एक बार फ्लेम एक बार स्टेमिना टाइप बेस से भी करके देख ही लेते हैं। तो 3-2-1 तो यहाँ पे फ्लेम सेजिटेटर को तो हरा दिया है भाई हमने रॉक लियोन ने। तो देख लो भाई ये था हमारा क्यूए का रॉक लियोन। तो अब इसके बारे में आई होप आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा, वैसे गाइस जो भी था इसमें ज्यादा कुछ था नहीं बताने को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो में मजा आया हो तो गाइस एक बट्टी वीडियो रेगुलर लेकिन अगर ये नहीं लगे तो मैं ले आऊंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और इसी तरह पेज फॉलो कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।